नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट आने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। पटना की एक अदालत ने सहकारी भूमि विकास बैंक के लगभग 665 करोड़ रुपए बकाए की वसूली के मामले में मुख्य सचिव के कार्यालय सहित 5 अन्य कार्यालयों को कुर्क करने का दिया आदेश। और राज्य सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर के रोसड़ा में 48, खगड़िया में 39 और सिकंदरपुर में 19 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर है। बेनीबाद, हायाघाट और सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज के पास नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से नीचे आ गई है, जबकि खगड़िया के बलतारा में अभी भी नदी का जलस्तर लाल निशान से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। महानंदा नदी किशनगंज और कटिहार में लाल निशान से नीचे आ गई है। प्रदेश में इस बार आई बाढ़ के कारण लगभग 1000 ग्रामीण सड़कें और 15 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान उत्तर बिहार में हुआ है। इसके अलावा सीमांचल के इलाकों में भी काफी क्षति हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी जिलों से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल पुलियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। प्रदेश के 3 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में 6,000 रूपये की सहायता राशि भेज दी गई है। यह राशि कल तक पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि भेजने की योजना की शुरुआत की। सबसे अधिक सीतामढ़ी जिले के 77,457 परिवारों के बैंक खाते में राशि भेजी गयी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में जो परिवार छूट जायेंगे उन्हें दूसरे चरण के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित परिवारों का बैंक खाता खुलवाने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सीतामढ़ी में सबसे अधिक 27 लोगों की मौत हुई है। मधुबनी में 14, अररिया में 12, शिवहर में 10, दरभंगा और पूर्णिया में 9-9, किशनगंज में 5, सुपौल में 3, पूर्वी चंपारण में 2 और सहरसा में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। अंचलाधिकारी धर्मेंद्र पंडित ने बताया कि 7 बच्चे पानी भरे गड्ढे में खेल रहे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने के कारण ये हादसा हुआ। इधर सहरसा जिले के सिवरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दतरंगी बहियार में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गयी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक नवादा में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में 8 बच्चे झुलस गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अरवल में 3 और औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए स्थानीय प्रशासन से तत्काल 4-4 लाख रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पटना स्थित एक अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, वित्त विभाग, लघु सिंचाई विभाग और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव तथा निबंधन रजिस्ट्रार के कार्यालय की कुर्की जब्ती का आदेश दिया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों के कार्यालय पर नोटिस चिपका दिया गया है। यह मामला बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के 665 करोड़ रूपये बकाये की वसूली का है। पटना जिला अदालत की मुंसिफ सारिका वहालिया की अदालत ने यह आदेश दिया। इधर सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के मामले में 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। सरकार आदेश पर रोक लगाने के लिए अपील करेगी।
प्रदेश में अब चिकित्सकों की नियुक्ति मेडिकल की पढ़ाई के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के बाद चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। डॉक्टरों की नियुक्ति तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से होगी। बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ और आईएमए की बिहार शाखा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मुक्तापुर किशनपुर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर इस रेलखंड से गुजरने वाली दो दर्जन ट्रेनों को आज से 24 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें शहीद एक्सप्रेस, सरयू एक्सप्रेस, जीवछ एक्सप्रेस और पटना जयनगर एक्सप्रेस शामिल हैं। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर नगर पताड़ चौक के पास एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने आए तीन अपराधियों में से लोगों ने एक की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि एक का गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। इधर सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिठौरी नंदलाल टोला में भीड़ द्वारा तीन लोगों की पीट पीट कर हुई हत्या के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्वी चंपारण के सांसद राधामोहन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सिंह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की देखरेख करेंगे। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत संडा स्थित बटाने नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सैकड़ों चक्र गोलियां चली हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने बताया कि नक्सली पुल को उड़ाने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने बताया कि अंधेरे का लाभ उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। इधर मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के निर्मा गांव के पास से पुलिस ने कुख्यात नक्सली गोनोर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ओएफएस के माध्यम से इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छबघड़िया गांव के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक कांग्रेस के स्थानीय नेता बताए जाते हैं। दरभंगा जिले की एक अदालत ने चर्चित हीरा हत्याकांड मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में क्रोध व कुदरत का कहर, 62 मरे। दैनिक भास्कर ने लिखा है मॉब लिंचिंग में चार हत्याएं। दैनिक जागरण की सुर्खी है 3 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों के खाते में पहुंचे 6,000। प्रभात खबर लिखता है कैबिनेट का फैसला, अब बिना इंटरव्यू के होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। आज की सुर्खी है मुख्य सचिव के ऑफिस की कुर्की करने पहुंचे कोर्ट के अधिकारी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कर्नाटक में संवैधानिक संकट, वोटिंग फिर टली, विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। और अब अंत में मुख्य समाचार। बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट आने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। पटना की एक अदालत ने सहकारी भूमि विकास बैंक के लगभग 665 करोड़ रुपए बकाए की वसूली के मामले में मुख्य सचिव के कार्यालय सहित 5 अन्य कार्यालयों को कुर्क करने का दिया आदेश। और राज्य सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने का किया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।